बाटी रे तू दही का चस्का से एक पीला हाथ की काटी रे पीला हाथ की काटी रे। हेलो गाइस, राम राम भाई सभी को। तो भाई आज अपना है डे वन, तो हमारा ख़त्म हो गया, डे टू बोल लो आज गोवा में। आज वैसे हमारा डे वन है। तो भाई सभी लोगों को भाई गुड मॉर्निंग। अभी अभी जस्ट सो के उठाऊँ भाई, इतनी थकावट हो गई थी ना गाड़ी चला के। 9:30 बज रहे हैं, अभी अभी जस्ट सो के उठाऊँ। तो लो भाई आपको पहले रूम का दिखाता हूँ, बाहर का किसी ने मस्त थी ना एकदम। और दिखाता हूँ भाई, लोंडे हमारे लग गए सुबह सुबह काम पे, ठीक है। चलो आपको पहले बाहर का दिखाता हूँ और बताते हैं फिर चाय वाय पीते हैं, बताते हैं आप दिन में क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, ठीक है। ये देख लो भाई, ये तो भाई अपने विंडो से सामने भाई समंदर है, बीच है वो, देखो सामने। और देखो भाई एक नंबर भाई। और दिखाता हूँ भाई पूल वगैरह भी है अपना, ये रहा ये भाई। तो अभी पूल वूल में भी डुबक्की मारेंगे आज करेंगे मौज भाई, फुल टू फुल मौज। बाकी भाई ऐसे ये अपना कुछ रूम था, ठीक है। चलो देखते हैं भाई लौंडे हमारे क्या कर रहे हैं। भाई चेक कर, चाय बन रही है। तो भाई लौंडा हमारा लग गया चाय पे, बाकी बंदे अपना। और ये अब भाई यहाँ देख लो, लो जी गाइस आ गए भाई हम लोग स्विमिंग पूल में आ गए। और ये आ गए देखो भाई अपने भाई जो सारे कूद कूद गए इसमें। हाँ भाई कैसा मौज आ रही है अब? मौज आ रही है। अबे ऐसे कैसे, थोड़ा कुछ कलाकारी तो दिखाओ अपनी यार, कुछ कलाकारी तो दिखाओ। ये देख लो गाइस कूद चुके हैं, और तुम्हारा भाई अब जा रहा खाली व्लॉग के लिए रुका हुआ था, तुम्हारा भाई भी जा रहा अंदर कूदने। अभी हाँ, अजी हाँ विकास, अजी हाँ यार वेले के दाएं हाथ भाई। ये देखो हमारा तैराक भाई निकल चुके पीछे, ऑल द वे भाई, वो टच करके इधर आना यार, ऐसे सिस्टम फाड़ देंगे। सागर भाई ने सिखाओ यार बैकफ्लिप कैसे मारते हैं यार, सागर भाई ने सिखाओ भाई बैकफ्लिप कैसे मारते हैं। ठीक है ये भाई तैराक गया अंदर, मैंने कितना भाई टच करना भाई विकास, बेइज्जती नहीं करा बे यार भाई देखो भाई डेस्टिनेशन हमारी वो थी, हमारा तैरा कहीं तक रह गया। अब देखो भाई मुझे नहीं डर होती, तुम्हारा भाई इसमें कूद के दिखाएगा। देखो भाई आ जाओ गाइस कमेंट में भाई एक बार आज जरूर रखना भाई, अरे रुक भाई रेटिंग जो भाई कमेंट में भाई 10 out of 10 कितनी रेटिंग मिली भाई की, ठीक है। ये अजी हाँ छाती मजा आया चाटा लग के गाइस, लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए विद योर फैमिली एंड सब्सक्राइब करिए, और रेटिंग दीजिए भाई कमेंट में हमारे तैराक भाई साहब का बस। तो भाई अब देख लो नहा धो के होली है सेट, और यहाँ भाई ये आलू पाले जा रहे हैं अपने भी, सैंडविच बनेंगे, और ये भाई रबड़ी नहीं सेट कर पा रहा, और तुम्हारा भाई यहाँ देखो पानी वाला है फॉर दिस टेंट एंड चिकन सूप के लिए भाई, ठीक है। तो अपना कर रहे हैं भाई हम लोग ब्रेकफास्ट बोल लो लंच बोल लो यही करने जा रहे हैं, तो उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो भाई अगर ये सब बताओ, अगर ये सब आपको दिखाना है तो दिखा दूंगा, अदरवाइज आप इस ब्लॉग में कमेंट करोगे तो नेक्स्ट ब्लॉग में अपलोड करूंगा, तो उसमें ये सब नहीं डालूंगा, फिर मैं सीधा मार्केट वगैरह की डालूंगा घूमने फिरने की। अगर आपको भाई ये सब बेचिए हम लोग भाई दिन में क्या करते हैं, तो भाई ये भी डाल दूंगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा ब्लॉग लंबा हो सकता है, बस ये हो सकता है। चलो तो भाई बनाते हैं फटाफट। ये देख लो भाई तुम्हारे भाई का तो हो गया चिकन सूप रेडी भाई, देख के तो लग रहा है एक नंबर बना है, छोटे छोटे से पीस हैं वो क्या दिखाऊं। इन भाई के तो भी आलू ना बोले ऐसी काम है, ढीला काम है इनका, ढीले ये है ढीला इनका काम है। चल भाई जल्दी बता टेस्ट करके पंकज कैसा है ये। अच्छा अच्छा ठीक है गर्म हो रहा होगा, ठीक है जल्दी बता यार बेकार है। अच्छा है भाई एक नंबर बेहतरीन। लो भाई लो मुखड़ा देख लो, बस बस भाई तुमने डाला क्या भाई इसमें? ना ना नमक नहीं इसमें, मैंने 2-3 मसाले डाले हैं, एक नंबर बनाया भाई। चलो तो गाइस अब हो चुके हैं रेडी, शाम के बज रहे हैं 4:30-5। तो देखो भाई सागर भाई रेडी हो चुके हैं, इधर आ भाई विक्की तू भी आ जा, तेरा तो रेडी होना बहुत जरूरी है। और तुम्हारा भाई देख लो चेक कर, ठीक है भाई विक्की देख लो फुल गोवा भाई यही है
से छोड़ो, वो तो नाच बिठा है भाई। ये देख लो, ये कुछ सीन शॉट है, ठीक है। आगे चलो भाई, ये देख लो, एक और आगे देखो। हाय गाइस, नहीं भाई ऐसे घूमना भाई, पीछे में ऐसे भाई, मजा ऐसे घूमने का बीच में। और भाई बाकी ये देखो, ये देख लो गाइस, अब बाहर का नज़ारा देखो, ये हमारी विंडो से है, विंडो से ये देखो, और विंडो देखो भाई, एक नंबर भाई। बारिश में अगर भाई रेनकोट लोगे, यही लेना रेनकोट। ये देख लो भाई, सामने बीच है, अब देखते हैं भाई कौन से बीच कहाँ निकलते हैं, फटाफट निकल लें। तो गाइस अब निकले हैं भाई होटल से, सामने मार्केट है, लेफ्ट चलना है, और चल कहाँ रहे सागर भाई? कैलंगुट बीच। कैलंगुट बीच भाई, तो नाम भी अलग अलग है भाई, बोलने में भी दिक्कत है, देख लो भाई। तो लो जी भाई, अब देखते हैं कितना कितना टाइम दिखा रहा है सागर भाई यहाँ से। 20 मिनट 20 मिनट दिखा रहा है, और बड़े पास में भाई कैलंगुट। चलो भाई, अब आप लोग भाई, जो लोग गोवा आए होंगे उन्हें पता होगा भाई कैलंगुट बीच कैसा है, कैसा नहीं है, क्या मौज आनी है। चलते हैं, मौज मार के आते हैं भाई। दिन में तो यार थकावट इतनी होगी थी नहाने के बाद, फिर तो सो ही गए। अब बाकी चलो, 7 किलोमीटर तुम्हारा भाई लेके जा रहा है, अब मजे लो। अब यहाँ का टाइम लैप्स के देखो गाइस, ये व्यू देखो भाई, बगल में अपना पता नहीं नदी है क्या है, ये जो भी है बढ़िया लग रहा है। बारिश का पानी जम गया भाई यहाँ पे, हाँ बढ़िया। मगर भाई ये है कि मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, बारिश हो जा रही है। हाँ ये हो सकता है बंदे बोले, जैसे बोले बारिश है नहीं घूम पा, मजा आता है भाई, दिन भर बारिश नहीं होती है, आधे घंटे बारिश हुई फिर तुरंत बारिश रुक जाएगी, उसके बाद फिर देखना मौसम ऐसा रहेगा, धूप भी नहीं रहेगी। तो भाई अगस्त के टाइम आओ घूमने, मजेदार है। और ऐसा नहीं है, ऑफ सीजन तो बोलने की है, अब ये नहीं पता भाई सीजन में कितनी भीड़ हो जाती होगी, मगर अभी भी बहुत भीड़ है भाई, भीड़ तो दबा के है भाई, ऐसा नहीं कि भाई लोग नहीं है भाई, भीड़ है। तो लो भाई देखो, आ गए बीच पे, देख लो भाई, एक नंबर मौसम हो रहा है भाई, एक नंबर। ये लो भाई देख लो गाइस, भाई साहब अलग ही चीज है भाई, अलग ही चीज है। भाई वो है सामने बागा बीच, ये कौन सा बीच है? कैल कैल क्या बताया? कैलंगुट बीच भाई साहब, और एक नंबर भाई, एक नंबर। लाइफ गार्ड वो कहाँ गया? तो लो जी गाइस, ये देख लो भाई, कर दिया तुम्हारे भाई ने सिस्टम हैंग, बना दिया अपना 1000 रुपये लेगा भाई यहाँ पे, है ना? सही है, बढ़िया बनाया तुम्हारे भाई ने भाई। भाई आ जाओ पहले तो दिखा भाई, अरे भाई Let's have a bit of fun. भाई घुस गए बीच में भाई, पहाड़ों में मजा नहीं है, जो मजा यहाँ पे आ रहा है ना, ये मजा पहाड़ों में नहीं है भाई। अरे आली भाई, ये तो आ गई देखो, अभी आएगी पैरों तलक, ये आ गई भाई, ये आ गई, ये शेर हमारा। और मैं तो लग रहा आधी भी ना भरी यार, ये छोड़ दे, नहीं ना भर लो पूरी भरो भाई, क्या बस ढक्कन लगाएगा बस भाई, बस इतनी आधी हुई है ना, 10 लीटर है तेरा यार सर जी। भाई ये देखो पानी ले रहे हैं, पानी की व्यवस्था ऐसे कर रहे हैं। ओए पंकज, मेरे ड्राइवर साइड भी एक बोतल लेकर आ जल्दी से, बोतल ही भरनी पड़ेगी। छोड़ दो भाई, अब तो कर ही देंगे, हैं आप कर लो, हम करते हैं भाई अपना। भाई देखो पानी भरवा रहे हैं यार, पानी की दिक्कत है, वहाँ आरों से ही चल नहीं रहा अभी।
भाई देख रहे हो नवाबी ऑन टॉप, फिल्टर का पानी डाल रहे हैं गाड़ी में, देख रहे हो बिस्लरी का पानी, भाई बिस्लरी का पानी ऑन टॉप। गाइस ये देखो भाई, किसी ने भाई ने पेंटिंग बनाई कि एक नंबर बनाई, देखना मकान देखो और पेंटिंग देखो। मकान तो क्या भाई, ये तो यहाँ का ट्रेडिशन है, मगर भाई पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है, मजेदार है भाई। हमारा तो मतलब फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो भाई एक नंबर है। मजा आया बीच। हाँ और भाई वैसे बंदे जितना बोल रहे ना कि भाई ऐसे टाइम पे आओ वैसे टाइम पे आओ, भाई ऐसे टाइम पे ही आओ। एक तो भाई होटल भी हमें सस्ता ही मिला है, ठीक है, होटल भी ज़्यादा महंगा नहीं है, और भाई क्राउड भी हमें ठीक मिल रहा है। क्राउड भी ठीक है भाई, तो हमें मेरे हिसाब से तो ठीक है भाई ये टाइम मतलब आने का अगस्त में। और ये देख लो भाई गलियां तो ठीक है भाई, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी लेके भी आ सकते हो, ऐसा नहीं है भाई स्कूटी चलाओ यहाँ पे, गाड़ी लेके आ रहे हो मौज मारो। पार्किंग भाई बहुत महंगी ली इस लॉन्डन एम से भाई, 200 रुपये की, 200 रुपये भाई देखो, 200 रुपये की पार्किंग है। अगर कोई भाई आओगे, अगर पहले कहीं टिका सकते हो गाड़ी तो टिका लेना, वरना 200 रुपये तो मान के चलना 200 की बत्ती जाएगी, चाहे आप 10 मिनट रुको चाहे आप 6 घंटे तक रुक लो। लेफ्ट साइड देख लो भाई, तो ये है गोवा। बाकी भाई पुलिस वाले हमें दो तीन बार देख के रुक गए, बस वो 2-3 बार उन्होंने हाथ दिया, फिर एकदम हाथ भी हटा लिया अपना, क्योंकि भाई बेल्ट हमने लगा रखी है, बस दिल्ली नंबर गाड़ी है, तो फिर इस मारे उनका मन भी करता है, फिर सोचते हैं बोले भी क्या इन्हें, जब बेल्ट सब लगाई रखी है, कागज पूरे होंगे दूर से आए तो। बाकी भाई 2-4 गाड़ी दिखी है हमें यहाँ पे, एक UP 16 दिल्ली, बाकी तो अभी कोई दिखी हुई नहीं है। बाकी भाई सब बंदे जो भी देख रहा है, होटल वाले भी बंदे पूछ रहे भाई इतनी दूर से आए हो तुम गाड़ी लेके, मतलब एक अलग सही है। बंदे ऐसा होता है ना, दिल्ली से बंदे लंदन गए तो बंदे जो पूछेंगे भी उससे भाई क्या था कैसा था कहाँ पे क्या था, वही है भाई हमारा भी, इतना दूर नहीं गए, मगर ये भी अभी लोगों के सपने हैं जो हमने कर दिया भाई। तो भाई अब देखो अंजुना बीच आए हैं, मौज आएगी मौज, चल भाई यहाँ भाई गाने वाने चलते हैं दबा के एकदम बढ़िया। पता नहीं कौन सी पार्टी वार्टी चल रही भाई यहाँ, ये देखो भाई साहब। तो भाई देख लो ये तो इतना बढ़िया नहीं लग रहा था भाई बीच, अंजुना नाम बहुत सुना है मगर अंजुना बीच का, ये देख लो भाई अंजुना बीच, तो ये है भाई कुछ अंजुना बीच का सीन। वो तो पहले से ये ले, बढ़िया आइटम लिया भाई हमने, रुको देख लो टाइट है सारे सिस्टम लिया भाई ने इसको, सिस्टम महंगे। ये देखो भाई ये हमने शॉपिंग करी है तो 10-10 रुपए में मिले हुए, तो भाई बताना भाई कैसे लग रहे हैं, देखो रात में क्या मस्त लग रहे हैं यार, एक नंबर लग रहा भाई रात में देखो। वैसे क्लब वाला पहनने लायक है, पहन के जाओ इसे। तो अब भाई निकल रहे हैं सीधा अपने फ्लैट के लिए, और भाई देखते हैं क्या लेते हैं, पनीर वनीर लेंगे, पनीर मटर और चावल वावल छोकेंगे आज बढ़िया करके। चलो तो अब फ्लैट पे मिलते हैं भाई सीधे। तो ये देख लो भाई एक दिल्ली नंबर गाड़ी और देखी है भाई, ऐसी है भाई 4-5 गाड़ी देखी है अभी तक यहाँ पे। तो भाई आते हैं बंदे, इसका मतलब घूमने आए हो या फिर पहले किसी कोई जॉब हो जो भी है, मतलब आ जाते हैं भाई बंदे गाड़ी लेके दिल्ली से, ऐसा नहीं है नहीं लाते, खूब आते हैं बंदे। लो जी भाई देखो बनना स्टार्ट रात का डिनर भाई मटर पनीर बनाएंगे। देखो भाई आड़े भाड़े बना रहे हैं हम लोग, पुलाव और मटर पनीर, भाई मटर पनीर के लिए सामान रेडी कर रहे हैं, ठीक है। लो जी अब वो बनाएंगे तो वो दिखाते हैं। तो भाई चावल और बन चुके हैं, अब तुम्हारा भाई बना रहा है पनीर। देखो भाई मसाला रेडी हो चुका है, ये हो गया पनीर काटी, मटर इधर रेडी है, भाई अब फटाफट बनाएंगे मटर पनीर, ठीक है भाई। दिखाते रहेंगे बीच बीच में जो भी अपडेट रहेगी क्या कैसे बना रहे हैं हम लोग, चलो भाई से आ जाए घूमते हैं, ठीक है भाई। चलो जी लो जी भाई देखो तड़का भी जा रहा है, तड़के कर रहे हैं सब तैयार, उसके बाद भाई मसाला डालेंगे फिर पनीर डालेंगे, उसके बाद भेड़ पेड़ पनीर तैयार। लो भाई देखो देखने में ही परस हो जाएगा भाई, एक नंबर बनने वाला है। तो भाई देख लो पनीर वनीर सब डल चुका है, बाकी भाई ये लास्ट चीज़ डाल रहा हूँ ताकि भाई थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी हो जाए, क्योंकि भाई इनके मसाले का पता नहीं, यहाँ के गोवा के मसाले अलग अलग कंपनी के हैं, यहाँ के खाने के हिसाब से मसाले बनते हैं भाई इनके,
अपने मसाले ले आओ अगर यहाँ बना के खाना है भाई। तो भाई आज तो मसाले की वजह से भाई टेस्ट करने पर हो गई है पनीर ख़राब सी, मतलब भाई टेस्ट नहीं आ रहा है इनके मसालों से। तो भाई इसमें देखो भाई इसके मैंने के लिए क्या क्या डाल दिया, मैगी मसाला डाल दिया है, सब्जी और सब्जी से डाले हुआ था ये रहा, ये भी डाल दिया है भाई। इतनी बार टेस्ट कर चुके हैं ना, जितनी बार टेस्ट कर रहे हैं और बेकार होते जा रहा है। तो चलो भाई आज बेकार से कर खा के सोएंगे भाई। लो जी भाई बन चुका है अपना सिस्टम, पंकज तो भाई वहाँ चला गया है। लो जी भाई विक्की, अरे तू बता यार खाने लायक है? देखो खाने लायक है और मुझे तो ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हाँ चल चल भाई, पंकज के अलग ही नखरे रहते हैं ना। नखरे ने भाई ये खाने कुत्ते खाते हमारे यहाँ। और तू भी खा रहा है वही, तू भी उन्हीं पूरी है ना भाई, उन्हीं कुत्तों में से है तू, कुत्ता है तू, कुत्ता कुत्ता बनना पड़ रहा है खाने के चक्कर में भाई। लो जी भाई देख रहे हो साले, वो खाना हजम नहीं हो रहा है। अभी खाया है इतना पनीर एक प्लेट में।